तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वीवो का सेट है, वीवो Y53 का। तो एक दुकानदार भाई ने हमको दे गया, तो इसका जो उसने बोला इसका जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने सिम लगा के रखी है, जियो का सिम है, 4G हैंडसेट है, टावर नहीं आया। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका जो IMEI नंबर है उसको चेक करना पड़ेगा। *06#, कोई भी हैंडसेट का हो वही एक यही नंबर है, *06# में आपका IMEI नंबर शो हो जाएगा। IMEI नंबर है तो हमारा ये जो है हार्डवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको पहले खोल लेते हैं सेट को, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सेट को हमने निकल लिया, और अगर आपका कोई भी हैंडसेट किसी भी हार्डवर्क या सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होगी तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप कुरियर भी कर सकते हैं या आप मेरे शॉप पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल टाइप का भी काम होता है। ठीक है, सुबह 9 से लेकर रात 7 बजे तक मेरा शॉप जो है ओपन रहता है, आप आके विजिट कर सकते हैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, तो अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, अभी रात के 11:30 बजे है, मेरा शॉप जो है अभी बंद है और इधर काम हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। चलो इसको पहले तो हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। और ये जो सेट हमको दिया है एक भाई ने, वो भी एक दुकानदार है, उसका भी एक शॉप है। ठीक है, उसने मुझको कुरियर किया है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको इधर माइक्रोस्कोप में नहीं आएगा देखने को, तो मैं पहले देखता हूँ उसके बाद आपको बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हमने चेक कर लिया और चेक करके जो देखा, इधर पे जो है सप्लाई का जो वोल्टेज है वो बराबर से आ रही है, लेकिन इधर ये IC जो हमारा है, ये IC हमारा प्रॉब्लम था, तो IC को हमने उतर दिया। और इधर मेरे पास एक नया वाला IC है था पहले से, तो हम इसको लगाएंगे इसमें। तो इसको तो निकल दिया हमने अभी, ठीक है ना, तो इसको रखते हैं साइड में, देखता है क्या होता है। तो फाइनली हमने इसको, ये वाला IC को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और ये वाला हमारा जो है पुराना वाला जो IC था जो फ़ोन के साथ था उसको हमने इधर रखा, और नया वाला को हमने इधर लगा लिया। चेक करेंगे अब टावर नेटवर्क जो है वो आएगा या नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो हमारा ठीक था, इधर IC के बाद जो सप्लाई था वो नहीं था। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो फाइनली फ्रेंड मेरा जो है नेटवर्क आ गया है, अब देख तो इधर वन साइड आ गया टावर, नेटवर्क आ गया है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए आपको दिख रहा है, ये देखो वन टावर आ गया, 4G लग के आ गया। ठीक है, और हमारा सेट में बिल्कुल टावर आ गया है। अभी वही IC चेंज करके मेरे फ़ोन में बिल्कुल टावर आ गया, और देख सकते हो आप। और अभी जो रात के बजे करीब आपको दिखा रहा हूँ, 1:30, 1:25 हो गया करीब, मुझको सेट रेडी करने में 1 घंटा लग गया। ठीक है ना, लेकिन हुआ नेटवर्क का जो प्रॉब्लम। अब शॉप भी मेरा बंद है, CC कैमरा चालू है, मैं खुद इधर शॉप पर हूँ, अभी रात के 1:30 हो गया। ठीक है, और जो टावर जो है जैसे तो वन सेट है, ठीक है, इसका कोई रीज़न नहीं है, उसमें वो पीछे वाला जो है उसमें सेट होता है, आपको दिखा रहा हूँ, उसके पीछे वाला एक सेट होता है, उसमें क्या होता है जो नेटवर्क है उसमें कनेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल देखिए नेटवर्क तो है हमारा इस साइड में, चिप में इस साइड में कनेक्शन देने से वो जो नेटवर्क है वो
फुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कनेक्शन दिया, इधर फुल हो गया टावर नेटवर्क, आपको ब्लर आ रही है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए। इधर कनेक्शन दे दिया और हमने आपको कैमरा से दिखा दिया, इधर देखिए इसका माइक्रोस्कोप का लाइट आ गया थोड़ा। हाँ अब देखो ये इसमें फुल टावर आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेडी हो गया हमारा सेट। तो फ्रेंड्स हम जो बता रहे थे जे कोई भी काम हो होगा, अभी देख सकते हो उधर बज गया 1:30 हो गया, अभी भी शॉप पर हूँ, काम कर रहा हूँ। तो किसी भी काम होगा नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप काम के लिए कोशिश करेंगे तो काम ज़रूर होगा। और आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूंगा, आप कोई भी फ़ोन वगैरह का प्रॉब्लम आएगा तो देना। 100% होगा, कोई बात नहीं जो होगा नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, होगा। और लाइक कर देना।